नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल पर। दोस्तों यहां पर आप हमारे सामने देख रहे हैं LG का अभी हाल ही में लॉन्च हुआ W30 Pro और साथ में है सैमसंग गैलेक्सी A20s। तो दोस्तों जैसा कि आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में मैं कराने वाला हूं दोनों ही मॉडल्स को कंपेयर और जानेंगे इनकी पूरी फीचर्स एंड डिटेल के बारे में। आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है LG का ये मॉडल, चूँकि इसमें कैमरा परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा तगड़ी होने वाली है और यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी A20s जाना जाता है, अपने A20 का ये एक तरीके से अपग्रेड कह सकते हैं यहाँ पर, और बहुत सारे ऐसे फीचर्स इसमें एड ऑन किए गए हैं जो कि A20 में नहीं थे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि इनमें से कौन सा मॉडल आपके लिए परफेक्ट रहेगा, क्योंकि कीमत में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, तो ऐसे में फीचर्स के मामले में कहां पर आपको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। ये फोन मुझे मिला है DKG मोबाइल्स की तरफ से, तो अगर आप इसे परचेज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। और दोस्तों ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों बात करी जाए यहां पर, LG एक बड़ी ब्रांड है और सैमसंग भी एक बहुत बड़ी ब्रांड है मोबाइल फोन के मामले में। हालांकि LG उतना नहीं करती है लेकिन सैमसंग तो काफी ज्यादा मायने रखती है, लेकिन आजकल LG बहुत ज्यादा सर्वाइव कर रही है मार्केट में अपनी क्वालिटी को लेकर, अपने प्रोडक्ट को लेकर। तो ऐसे में वो निकालते हैं W30 Pro, जो कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उन्होंने अपना बेस्ट करने की कोशिश करी है। तो देखते हैं ये दोनों ब्रांड्स में कौन जीतता है आगे और क्या LG स्टैंड कर पाता है सैमसंग के आगे। तो यहां पर इस चीज को आपको थोड़ा सा गौर करना होगा और यकीनन आप इस वीडियो को देखकर थोड़ा सा अचंभे में आ जाएंगे। और जैसे कि आपके अगर सैमसंग या LG को लेकर कोई सोच बन चुकी है कि सैमसंग बेस्ट है या LG खराब है, तो वो भी यहां पर आपकी हो सकता है खत्म हो जाए। तो जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। फटाफट कराते हैं दोनों को ही कंपेयर और जानते हैं इनकी पूरी डिटेल्स। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से, और यहाँ पर आप हमारे सामने देख रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी A20s। अगर हम सबसे पहले बात करें यहाँ पर इसकी पैकिंग के बारे में, तो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट सी पैकिंग है जो सैमसंग गैलेक्सी A सीरीज़ की पैकिंग आ रही थी, ये कुछ उसी से मिलती जुलती है। अगर हम देखते हैं इसके फीचर्स की डिटेल को, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इन्फिनिटी वी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, ट्रिपल कैमराज मिल जाते हैं, फास्ट चार्जिंग के ऑप्शन दिए होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी डिटेल्स और भी दी हुई होती हैं, तो इनके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। उसके बाद चलते हैं हम लोग यहां पर W30 Pro की तरफ। तो यहां पर इसकी पैकिंग तो वाकई अब की बार काफी ज्यादा लाजवाब करी है LG ने। इससे पहले मुझे LG की पैकिंग समझ में नहीं आती थी, लेकिन यहां पर LG ने वाकई कमाल करके दिखा है, ये एक अच्छी बात है। आपको यहां पर मिल जाती है LG की ब्रांडिंग और आपको काफी सारी डिटेल्स वगैरह दे रखी होती है इसके बैक सेक्शन में। आप देखेंगे यहां पर आपको ट्रिपल ईयर कैमरा देखने को मिल जाते हैं, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर होता है octa-core बेस्ड, और साथ में सुपर पल्स साउंड के साथ ये आता है। बाकी डिटेल तो यहां पर भी काफी सारी है लेकिन इनके बारे में भी हम लोग आगे जाकर बात करेंगे। तो फटाफट बॉक्स को करते हैं ओपन, देखते हैं कि अंदर आपको क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि LG में आपको ये अलग से बॉक्स दे रखा होता है, तो फिलहाल इसको हम साइड में निकाल के रख लेते हैं। अगर हम देखते हैं यहाँ पर सैमसंग की तरफ, तो सैमसंग में भी आपको एकदम स्लाइड करा के इसे ओपन करना होगा और यहाँ पर भी आपको एक अलग से सेक्शन दे रखा होता है। तो LG को सबसे पहले ओपन कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर इसके बॉक्स की पैकिंग बड़ी अतरंगी सी रहती है हमेशा की तरह। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मिल जाता है आपको ये फ़ोन प्यारा सा, तो इसको निकाल के साइड में रख लेते हैं। और बॉक्स के कंटेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर आपको मिल जाता है ये कुछ पेपर वर्क, और साथ में मिलता है ये आपको कवर, तो इसे भी फिलहाल साइड में रखते हैं। और अंदर मिल जाता है ये आपको चार्जर, तो सबके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन फटाफट सामान को बाहर निकाल कर रख लेते हैं। ये आपकी छोटी सी सिम इजेक्टर पिन रहती है यहाँ पर, तो फिलहाल इसको हम रख लेते हैं साइड में। इसके बाद अगर हम लोग बात करें सैमसंग के बारे में, तो यहाँ पर भी आपको एक अलग से सेक्शन दे रखा होता है, और इस सेक्शन की थिकनेस को देखकर आप बता सकते हैं कि अंदर केस कवर तो होने नहीं वाला है। तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं कुछ ये बेसिक से पेपर वर्क वगैरह, तो इनका तो कोई खास काम होता नहीं है, तो फिलहाल इनको साइड में रख लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर आपको ये प्यारा सा फ़ोन मिल जाता है, तो इसको भी निकाल लेते हैं हम लोग बाहर और देख सकते हैं आप यहाँ पर इसकी एसेसरीज़ को। तो सबसे पहले आपको ये चार्जर देखने को मिलता है, इसके बाद ये रहती है आपकी टाइप सी USB केबल, और नेक्स्ट अगर बात करी जाए ये छोटी सी आपकी सिम इजेक्टर पिन रहती है। तो फटाफट हम लोग कंपेयर कराते हैं एक बार इनकी एसेसरीज़ को। तो सबसे पहले चलते हैं इनके चार्जर की तरफ, तो दोनों में ही आपको फास्ट चार्जर देखने को मिल जाते हैं, ये एक अच्छी बात रहती है। यहाँ पर दोनों में ही मेंशन है आपको फास्ट चार्जिंग के लिए। आउटपुट रेटिंग की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आपको डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपकी सैमसंग में 9 वोल्ट 1.67 एम्पीयर की और 5 वोल्ट 2 एम्पीयर की आउटपुट रेटिंग देखने को मिल जाती है, जबकि LG में आपको 9 वोल्ट 1.8 एम्पीयर और 5 वोल्ट
1.8 एम्पीयर की आउटपुट रेटिंग देखने को मिल जाती है। चार्जर के लुक में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि आपको यहाँ पर देखना होगा। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अतरंगी सा चार्जर है यहाँ पर LG का, जो कि देखने में भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। नेक्स्ट अगर बात करी जाए, यहाँ पर दोनों में ही आपको जो है टाइप सी USB केबल देखने को मिल जाती है, जो कि एक अच्छी बात रहती है। और क्वालिटी की बात करें, चूँकि यहाँ पर दोनों ब्रांड वर्सेज ब्रांड है, तो कोई डाउट वाली बात नहीं, क्वालिटी तो अच्छी होने ही वाली है, तो क्वालिटी के मामले में आप डाउट नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर LG की थिकनेस काफ़ी ज़्यादा कम रहती है सैमसंग को देखते हुए। तो दोस्तों बस इतना ही अंतर है, बाकी क्वालिटी में कोई खास डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको जो है LG में देखने को मिल जाते हैं ये कुछ पेपर वर्क, तो जिनका कोई खास काम होता नहीं है। और कवर यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है, जो कि आपको सैमसंग में देखने को नहीं मिला है। तो कवर के लिए तो मैं यही कहूँगा कि समय के साथ साथ पड़ जाएगा पीला, लेकिन कवर की क्वालिटी यहाँ पर आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों फटाफट इस सामान को साइड में कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं फ़ोन के बारे में पूरी तरीके से डिटेल से। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने दोनों ही फ़ोन को कर लिया है सेटअप। अगर आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले इनकी स्क्रीन में आपको एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, जो कि इनके साइज में रहता है। अगर आप सैमसंग की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 6.5 इंचेस की HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, वहीं LG आपको देता है 6.21 इंचेस की HD+ डिस्प्ले। यानी कि रेजोल्यूशन तो लगभग सेम है, लेकिन यहाँ पर अगर बात करी जाए साइज की, तो वहाँ पर आपको एक माइनर सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको अलग से दिख भी रहा है। अगर हम बात करें, दोनों में ही आपको वाटर ड्रॉप नॉच दे रखी होती है, जहां पर होता है आपका सेल्फी कैमरा, जो कि सैमसंग आपको देता है 8 मेगापिक्सल का, वहीं यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा LG की तरफ से 16 मेगापिक्सल का। यानी कि यहां पर इनके जो है कैमरा में एक आपको अच्छा खासा अंतर देखने को मिल जाएगा। अगर हम चलते हैं एक बार इसके साइड की बात करते हैं, तो दोनों में ही आपको जो है यहां पर पावर बटन देखने को मिल जाती है, और यहां पर LG में आपको वॉल्यूम रॉकर्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि सैमसंग में दूसरी तरफ आपको दे रखे होते हैं। दूसरी तरफ अगर LG की बात करी जाए, तो दोनों में ही आपको सिम स्लॉट दे रखे होते हैं, जो कि डेडिकेटेड सिम स्लॉट होते हैं। अपर सेक्शन की बात करी जाए, तो दोनों में ही आपके सेकेंडरी माइक देखने को मिल जाएंगे, जो कि नॉइस कैंसिलेशन के लिए होते हैं। नीचे की तरफ भी आपको काफी ज्यादा इक्वालिटी देखने को मिलेगी, दोनों में ही स्पीकर ग्रिल टाइप सी USB पोर्ट, साथ में आपको ऑडियो जैक और एक छोटा सा स्पीकर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों काफी ज्यादा इक्वालिटी रह रही है। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें एक बार इसके बैक सेक्शन के बारे में, तो यहां पर आपको एक अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिल गया है इसके बैक पैनल्स में। यहां पर हालांकि दोनों ही बहुत ही क्लासी लुक के साथ आते हैं और अच्छे भी लगेंगे आपको, लेकिन इनके ट्रिपल कैमरा के सेटअप में आपको एक डिजाइन में एक हल्का सा अंतर देखने को मिल जाएगा। बात करें यहां पर अगर हम सैमसंग की, तो यहां पर आपको मिलते हैं 13+8+5 मेगापिक्सल के कैमरास, वहीं LG भी आपको देता है 13+8+5 मेगापिक्सल के कैमरास। तो दोस्तों कैमरा में तो यहां पर हालांकि आपको कोई खास डिफरेंस देखने को नहीं मिला, लेकिन यहां पर अगर आप देख सकते हैं इनके फिंगरप्रिंट स्कैनर में, तो यहां पर इनकी डिजाइंस में आपको अंतर जरूर देखने को मिल जाएगा। दोनों में यहां पर आपको सैमसंग में बीच में और नीचे की तरफ आपको LG में ब्रांडिंग दे रखी होती है। और बात करें इनके ओवरऑल लुक के बारे में, तो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे। तो लुक के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि मुझे कहीं ना कहीं सैमसंग ज़्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि वो ब्लैक कलर के एकदम क्लासी लुक में है, लेकिन यहाँ पर LG भी कोई खास कम नहीं रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर कुल मिला के अगर हम चलते हैं एक बार फ़ोन के अंदर और देखते हैं जाके इस फ़ोन के अंदर आपको क्या क्या मिल जाता है, तो यहाँ पर आपको अंदर की तरफ भी काफ़ी सारे डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले अगर बात करते हैं यहाँ पर सैमसंग की, तो यहाँ पर आपको वन UI देखने को मिल जाता है, वहीं यहाँ पर LG आपको जो है एकदम स्टॉक एंड्रॉयड, यानी कि एकदम प्योर एंड्रॉयड अवेलेबल कराता है। चलते हैं एक बार इनकी सेटिंग में और जाके करते हैं इनके अबाउट फोन सेक्शन में। तो दोस्तों यहाँ पर ये रहा सैमसंग का अबाउट फोन सेक्शन, और यहाँ पर ये आपका LG का अबाउट फोन रहा। तो यहाँ पर आपको कुछ बेसिक सी डिटेल वगैरह दे रखी हैं। सबसे पहले अगर हम लोग इसके बारे में बात करने से पहले एक बार इनकी ब्राइटनेस को फुल कर लेते हैं, ताकि आप स्क्रीन क्वालिटी को भी लगे हाथ जज कर पाएं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने दोनों की ही ब्राइटनेस को फुल कर लिया, और यहाँ पर आप व्हाइट कलर में इनके डिफरेंसेस को देख रहे होंगे कि सैमसंग की ब्राइटनेस आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। यहाँ पर दोनों में ही आपको IPS पैनल दे रखा होता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम कहीं ना कहीं बात करें, तो सैमसंग की क्वालिटी की बात ही अलग है। आप देख सकते हैं यहां पर भी ब्राइटनेस हमारी एकदम फुल रहती है। और अगर हम लोग चलते हैं यहां पर देखते हैं जाकर एक बार इनकी कुछ बेसिक सी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में। और यहां पर सैमसंग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको वन UI देता है, और यहां पर आपको स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिल जाएगा, और एंड्रॉइड वर्जन की अगर बात करें, तो दोनों में ही आपके 9 Pi देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट, प्रोसेसर यहां पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि यहां पर सैमसंग आपको देता है स्नैपड्रैगन 450 प्रोसेसर, वहीं LG W30 की तरफ से आपको स्नैपड्रैगन 632 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। यानी कि प्रोसेसर में एक बड़ा अंतर आपको देखने को मिल गया है। वेरिएंट आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल लगे। तो दोस्तों यहां पर ये कुछ बेसिक सी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन रही। अगर चलते हैं एक बार इनके कैमरास की तरफ फटाफट, तो आप देख सकते हैं कैमरा यहां पर एक बड़ा अंतर रखेगा, और कैमरा को मैंने कर लिया है ओपन, और यहां पर फटाफट नॉर्मल मोड पर एक फोटो को क्लिक कर लेते हैं। और अगर देखा जाए यहां पर इसके नॉर्मल मोड को, तो दोस्तों LG में तो काफी ज्यादा बेहतरीन लग रहा है देखने में।
और यहाँ पर मैंने कर लिया एक फ़ोटो को क्लिक और पिक्चर फ्रेम को इसको भी 4:3 पे ही ले आते हैं ताकि आप जो है गौर से देख पाएँ इसको। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने दोनों से ही कर लिया फ़ोटो को क्लिक। अगर आप देखेंगे यहाँ पर इनकी पिक्चर क्वालिटी के बारे में, तो यहाँ पर ये तय करना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि यहाँ पर बेहतर कौन है, लेकिन जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, मेरे ओपिनियन जो कहते हैं उस हिसाब से मुझे LG की शार्पनेस काफ़ी ज़्यादा बेहतर लग रही है सैमसंग की तुलना में। हालांकि यहाँ पर लगभग लगभग एकदम सेम परफॉर्मेंस के साथ आते हैं दोनों, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि LG कहीं ना कहीं मतलब 19-20 का ये समझिए अंतर है, और वो आपका जो है 19-20 में आपका जो है LG थोड़ा सा 20 रह जाता है। और अगर हम चलते हैं यहाँ पर देखेंगे कलर्स को इनके, तो लगभग लगभग सेम रहते हैं, कोई खास अंतर आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। लेकिन आपको एक सैमसंग में हल्की सी एकदम बिल्कुल ना के बराबर डलनेस देखने को मिलेगी, जो कि आपको थोड़ी सी गौर करनी होगी, लेकिन यहाँ पर आपको LG में एकदम ब्राइट इमेज देखने को मिल गई है। अगर हम चलते हैं यहाँ पर बात करते हैं जाकर इनके सेल्फी कैमराज की तरफ, तो दोस्तों सेल्फी कैमरा में तो आपको एक हल्का सा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो फटाफट करते हैं एक फ़ोटो को क्लिक। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने दोनों से ही कर लिया फ़ोटो को क्लिक। अगर हम देखें यहाँ पर इनकी क्वालिटीज़ के बारे में, तो दोस्तों एक बार फिर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा आप जो है कन्फ्यूज़न में आ जाएंगे इन दोनों ही फुटेज को देखकर। जूमिंग क्वालिटी तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहती है, शानदार रहती है LG की, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अगर आप सैमसंग में करेंगे तो आपका जो है पिक्सल फटने लगते हैं। और कलर्स की अगर बात करी जाए तो फिर मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ओरिजिनल जो, जैसा कि आप देख सकते हैं स्किन का कलर, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा LG आपकी ओरिजिनलिटी को ज़्यादा दिखाता है और ब्राइटनेस को जो है एक लेवल पर रखता है। लेकिन सैमसंग में ऐसा कुछ नहीं हुआ है और काफ़ी ज़्यादा एकदम जो है अजीब सी इमेज आ रही है, जो कि मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी समझ में नहीं आती है। तो दोस्तों यहाँ पर सेल्फी के मामले में भी मेरा यही कहना है कि LG थोड़ा सा आगे निकल जाता है सैमसंग से, और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको कैमरे की तरफ से देखने को मिलेगी LG की। और नेक्स्ट अगर दोस्तों चलते हैं अब हम लोग इनके फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक के बारे में, तो दोस्तों इन्हें मैंने ऑलरेडी सेटअप करके रखा हुआ है। और अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इनके फिंगरप्रिंट स्कैनर की तरफ, तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आपका LG फास्ट निकल जाता है। एक बार फिर से ट्राई करके देखते हैं और यहाँ पर फिर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बिल्कुल एकदम 19-20 का यहाँ पर भी अंतर आ रहा है, और आप LG की परफॉर्मेंस को देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर फिंगर फेस अनलॉक के बारे में, तो दोस्तों जैसे ही मैं अपने फेस की तरफ लाता हूँ तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा LG फास्ट निकल गया। एक बार फाइनल ट्राई करके देखते हैं और यहाँ पर फिर मुझे LG की तरफ से बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। हालाँकि ऐसा पहली बार हुआ है कि सैमसंग को मात दी हो LG ने, लेकिन यहाँ पर ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो फाइनली मैं इस कंक्लूजन पर पहुंच रहा हूं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि LG कहीं ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देता है। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे इसके कुछ पिक्चर सैंपल्स, उसके बाद में तय करेंगे कि इनमें से कौन सा फ़ोन आपको लेना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर अभी आपने देखे होंगे पिक्चर सैंपल्स और वाकई आप देख के चौंक गए होंगे यहाँ पर इसकी दोनों की ही क्वालिटीज़ को। यहाँ पर अगर बात करें इनके प्राइमरी कैमरा की, तो यहाँ पर मुझे तो लगभग लगभग इक्वल क्वालिटीज़ लगी हैं। हालांकि पिक्चर शार्पनेस में हालांकि आपको थोड़ा सा LG बेस्ट लगेगा, लेकिन लगभग लगभग इक्वल है। लेकिन सेल्फी कैमरा की अगर बात करें तो भाई साहब सैमसंग ने अब की बार मुँह की खाई है यहाँ पर। LG जो जिस तरीके की शार्पनेस मेंटेन करता है, जो कलर कॉन्ट्रास्ट यूज़ करता है, वो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब रहते हैं। उसके मामले में मुझे ऐसा लगता है कि सैमसंग LG के सामने स्टैंड नहीं कर पा रहा है। हालांकि ये थोड़ा सा अचंभा लग रहा होगा आपको सुनने में, लेकिन ऐसा ही लगा है। और आपको तो पता ही है कि सबकी सब रिटेल यूनिट होती है, किसी की कंपनी की तरफ से मुझे पैसे नहीं मिले हैं, तो आपको एकदम ट्रू ओपिनियन मैं अपना दे रहा हूँ कि सेल्फी कैमरा के मामले में थोड़ा सा LG ऊपर अब की बार चला जाता है। हालांकि पहली बार ही ऐसा हुआ है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट यहाँ पर देखें इनके लुक का, तो लगभग लगभग इक्वल आ रहे हैं। हालांकि स्क्रीन साइज में एक अंतर है, लेकिन वो उतना मायने नहीं रखता। पॉइंट अगर यहाँ पर लाया जाए एक बार इनके स्क्रीन क्वालिटी का, तो दोनों में ही आपको HD+ का रेजोल्यूशन देखने को मिल गया है। और दोनों की तरफ से मेरी यही शिकायत है कि अगर Full HD+ दे देते तो कहीं ज़्यादा बेहतर था यार। तो यहाँ पर एक स्क्रीन क्वालिटी को लेकर थोड़ा सा इशू है, पर वो इतना बड़ा नहीं है। अगर आपके लिए मायने ना रखता हो तो फिर तो आप परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके लिए रेजोल्यूशन मायने रखता है तो फिर आपको ये दोनों ही मॉडल्स नहीं लेने चाहिए, क्योंकि इससे बेहतर मॉडल्स आपको मिल जाएंगे इन्हीं ब्रांड्स में, तो आप उन्हें भी ट्राई कर सकते हैं। अगर हम पॉइंट देखें यहाँ पर फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट स्कैनर का,
तो दोस्तों यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि एल जी आपका थोड़ा सा आगे निकल जाता है, सैमसंग कहीं ना कहीं उतना बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है। हालांकि अंतर जो है 19-20 का ही है, लेकिन अगर गौर करा जाए, सिचुएशन का भी अंतर होता है, लेकिन अगर हम इस बात पर गौर करें तो मुझे कहीं ना कहीं पर्सनली एक्सपीरियंस है मेरा कि मुझे एल जी थोड़ा सा ठीक ठाक लगा है यहाँ पर। तो दोस्तों अब की बार पहली बार ही ऐसा हुआ है कि मुझे एल जी पसंद आया, सैमसंग और एल जी की टक्कर हुई और एल जी लगभग जीत गया। तो पहली बार ऐसा हुआ है तो आपको क्या लगा है इन दोनों ही फ़ोन्स के बारे में, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। हालांकि सैमसंग के फ़ोन बहुत अच्छे होते हैं, मैं खुद इस्तेमाल करता हूं, लेकिन यहां पर जो इन दोनों मॉडल्स में अगर हम कंपेयर करा रहे हैं तो फिर इसमें आगे हो सकता है ये भी आगे हो, लेकिन इसके साथ में कोई और मॉडल हो, क्योंकि कंपेरिजन मैं अक्सर ही कराता रहता हूं, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर सिचुएशन यही कहती है कि आपके लिए थोड़ा सा आपको एक बार सोचना चाहिए, और लेने से पहले आप दिमाग में इस धारणा को मत बनाइए कि सैमसंग हमारे लिए परफेक्ट है या एलजी परफेक्ट है। आप अपने यूजर्स देखिए किस तरीके से, चूंकि बिल्ड क्वालिटी दोनों की अच्छी रहेगी, जो हार्डवेयर इस्तेमाल किया है वो दोनों का ही एकदम बेस्ट क्लास रहेगा, तो आपको इस चीज़ में तो बिल्कुल नहीं सोचना पड़ेगा, बस आप फीचर्स थोड़ा सा देखिए, उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।